धौलपुर के सैपाउ थाना इलाके में विवाहिता के साथ दो बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने लोक लाज के चलते मामले को एक सप्ताह तक दबाए रखा और जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल की रात को पीड़िता घर पर अपने बच्चों के साथ सो रही थी कि तभी पड़ोस में रहने वाले पप्पू कुशवाहा ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी, लेकिन आरोपी ने 1 मई को फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया और ऐसे में महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को दबोच लिया, लेकिन पंचायत की दखलअंदाजी से मामले को दबा लिया गया और बावजूद इसके आरोपी पक्ष अब तक पीड़ित पक्ष को धमकी दे रहा है और इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल मामले की जाँच लगातार जारी है। मुँह उठाएगा लेगा भीतर तो बाने हाथ धोवा ले और मुँह में धोती बदई धोती भर के नहीं बाने काम करो। फिर 1 तारीख क्यों आएगो, फिर 1 तारीख क्यों मैंने मैं दवा ली खाट पे तो मैंने से शरीर पर हाथ फिरो फिर पर तुमने चिल्लाए धरी से देवर जल करो फिर छूट गए बज गए। एक महिला ने थाने पर आकर एक रिपोर्ट दी थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, इसके संबंध में FIR दर्ज कर ली गई। महिला के एक शिक्षक के बयान नोट करवा लिए गए, मेडिकल करवा दिए और प्रकरण अनुसंधान जारी है। जैसे भी सामने आएगी चीज़ें